अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे हैदराबादी मुर्ग कोरमा। ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है और इसे धो लिया है अच्छे से। इसे हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है, 4 से 5 पानी। देखिए, इसे मैंने एकदम अच्छे से साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे लेंगे हम 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हमें ले लेना है अदरक और लहसुन बारीक पिसा हुआ। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक ले लेना है। यहाँ पे हम लेंगे 1 टुकड़ा खोपरा ले लेंगे, उसे बारीक बारीक काट लेंगे और 1 बड़ा चम्मच तिल ले लेंगे। इसका हमें पेस्ट बनाना रहेगा। तिल और खोपरे को एक साथ मिला के हम मिक्सी के जार में इसका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 बड़ी प्याज लेके फ्राई कर ली थी, इसे हमें बरिस्ता बना लेना है। और इसे भी हमें पीसना रहेगा, इसका भी हमें पेस्ट बनाना रहेगा प्याज का भी। अब यहाँ पे हम ले लेंगे काजू। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम काजू ले लिया और इसे हम पानी में भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। काजू भीगे रहेंगे तो आसानी से पेस्ट बनेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गर्म मसाले लिए हैं, 1 तेज़ पत्ता लिया है, 2 छोटी सिनेमन स्टिक ली है, लौंग 3, 2 छोटी इलायची और 4 काली मिर्च लेना है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन में हमने जो चिकन लिया था आधा किलो वो डाल देंगे। पूरा आधा किलो जो चिकन है वो हम इसमें ले लेंगे बर्तन में। और अब इसमें डाल देंगे हमने जो 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे पूरा। और जो हमने प्याज बरिस्ता बनाया था उसे भी पेस्ट बना लेना था, बरिस्ता का पेस्ट डाल देंगे, फ्राई की हुई प्याज जो थी उसका पेस्ट है। और जो हमने खोपरा और तिल का पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे इसमें। ये खोपरे और तिल का पेस्ट है, इसे एकदम बारीक पीस लेना है। अब हम जो काजू लिए थे काजू का पेस्ट डाल देंगे, काजू को भी हमें पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेना, एकदम बारीक पेस्ट बनाना है, खड़ा खड़ा नहीं। और जो हमने मसाले लिए थे लाल मिर्च पाउडर हल्दी नमक वो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे, इसे हम अच्छे से चला लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसमें पानी नहीं मिलाना है, हम मसाले पीसते हैं हल्का हल्का, पानी जो डालेंगे वही रहेगा, एक्स्ट्रा पानी हमें इसमें नहीं डालना है। देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे दही, इसमें डाल देंगे हम दही डाल देंगे। मैंने 1 डिब्बा पूरा दही लिया था वो डाल। देखिए, हम दही डाल देंगे पूरा और ये लगभग 100 ग्राम के करीब ही रहता है दही, पूरा हमें डाल देना है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद आधा घंटे के लिए हम इसे रख देंगे मैरिनेट करके। अब हम एक दूसरा बर्तन लेंगे, आधे घंटे बाद जब बर्तन गर्म हो जाएगा हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालना है। और जो हमने खड़े गर्म मसाले लिए थे, छोटी इलायची लौंग काली मिर्च तेज़पत्ता दालचीनी, वो सब हम इसमें तेल में डाल देंगे। जब थोड़ा सा ये मसाले तड़क जाएंगे तो हम इसमें जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो डाल देना है। हम इसमें मैरिनेट किया हुआ अपना चिकन डाल देंगे और हमें ये पूरा प्रोसेस स्लो आंच पे ही करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना है। देखिए, हमने सारा डाल लिया है, अब इसे चला लेंगे। आंच हमें स्लो ही रखनी है और इसमें पानी नहीं डालेंगे। ये जो हमारे मसाले लगे हुए थे इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको साफ़ कर लेंगे और यही पानी डालेंगे, इसके अलावा हम पानी नहीं डालेंगे। देखिए, पानी हम डाल देंगे, बस थोड़ा सा ही पानी वो भी लिया था। बाकी ये दही जो है गोश्त का पानी खुद से जो छूटता उसी सबसे पकेगा, पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है। आंच स्लो रखनी है, ये 2 बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसे ढक के 15 मिनट के लिए पकने देंगे और हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए, 15 मिनट बाद हल्का सा तेल छोड़ दिया है, चलाने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे। फिर हम वापस इसे ढक के
10 से 15 मिनट के लिए हम वापस से पकने के लिए रख देंगे और इसे बीच बीच में चलाते जाएंगे। आंच स्लो ही रखना है, इस बात का ध्यान देना है। अभी हमारे मसाले पके नहीं हैं इसलिए हम वापस से इसे ढक के पकने देंगे। देखिए वापस से दस हल्के हल्के पक रहे हैं हमारे मसाले और तेल भी छूट रहे हैं। तो इसे हम अच्छे से चला लेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें नीचे नहीं लगने देना है और इसे हमें चलाते ही जाना है। देखिए अभी भी नहीं पका है, हमारे मसाले अच्छे से नहीं पके हैं, इसे हम वापस से पकने देंगे 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट बाद हम वापस से खोलेंगे। देखिए अच्छे से पक गए हैं हमारे मसाले और तेल भी सारे ऊपर आ चुके हैं। देखिए कितने अच्छे से, और कलर भी माशाल्लाह कितना अच्छा आया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगे, एकदम सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है। देखिए ये है हमारे पक जाने की पहचान, अच्छे से तेल छूट जाएगा और ये एकदम खिले खिले दिखेंगे हमारे मसाले और नीचे हल्का हल्का लगेंगे। समझ जाइए हमारे कोरमा पक चुका है अच्छे से। हम इसे अच्छे से चला लेंगे। देखिए अब हम हल्का गुनगुना पानी कर लेंगे, एक कप के करीब। ज़्यादा बड़ा कप नहीं लेना है, छोटा ही कप, एक कप के करीब हम पानी गर्म कर लेंगे और इसमें पानी डाल देंगे। वैसे कोरमा ज़्यादातर गाढ़ा ही रहता है, पतला नहीं रहता है। अगर आपको हल्का पतला चाहिए तो पानी की मिकदार बढ़ा सकते हैं। देखिए अब हम इसे 2 से 3 मिनट उबाल आने तक का पकने देंगे ढककर। इसके बाद हम ढक्कन खोल लेंगे। अच्छे से उबाल आ गया है, देखिए 2 से 3 मिनट में ही। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम बंद कर देंगे गैस को, और इसे हम वापस अच्छे से चला लेंगे। हरा धनिया काट लेंगे और इसे हम ऊपर से हरा धनिया इस पर डाल देंगे। कलर भी कितना अच्छा आया है, खुशबू माशाल्लाह बहुत आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हरा धनिया डालने के बाद और भी अच्छा लग रहा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मेहमान आए तो उनके सामने ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा सबको। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।